हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। रश्मि की किचन में आपका स्वागत है। आज हम आटा बिस्किट बनाएंगे। मार्केट से तो आपने बहुत बार लेके बिस्किट खाए होंगे, पर आज हम घर के बिस्किट बनाएंगे आटे से। फिर किस बात की, बिस्किट बना लेते हमने ये हैं। बर्तन लिया है, इसमें हम ये 2 कटोरी आटा लेंगे। हमने ये 2 कटोरी आटा लिया है और आधा कटोरी हमने बेसन लिया है। आटा लिया था और उसी से हमने आधा कटोरी बेसन और 2 कटोरी आटा। जितना हमने बेसन लिया था उतनी ही हम चीनी ले रहे हैं। और 1 पिंच हम नमक ले रहे हैं। आप भी अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। जितनी चीनी और जितना बेसन था उतना ही हमने घी लिया है, आधा कटोरी। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें पानी, दूध कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और ना ही बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जितना घी था हमने सारा मिला लिया। और यदि आपको घी कम लगे तो थोड़ा बहुत और भी डाल सकते हैं। मैं भी 1 चम्मच और ऐड कर लेती हूँ। हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बिस्किट बना लेते हैं। हम 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल लेते हैं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। हमने ये एक प्लेट ली है और इसके ऊपर हम बिस्किट बनाएंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरीके से इसकी शेप के लिए बना लेते हैं। चारों तरफ से जो आटा निकला है उसके लिए निकाल देते हैं और अब हम इसकी डिजाइन बना लेते हैं। और इस तरीके से बिस्किट के लिए हटा लेते हैं और आप देखेंगे कितना अच्छा बिस्किट बना है। और इसके लिए एक प्लेट में रख लेते हैं, पेड़ा जैसा बना लेंगे। और फिर हम चारों तरफ से इसके लिए काट लेंगे। आप चाहो तो गोल भी बना सकते हो। और फिर से हम डिजाइन बना लेते हैं। आप देखेंगे कितना सुंदर बिस्किट लग रहा है। और फिर हम एक बार इसी तरीके से हम अपने सारे बिस्किट बना लेते हैं। हमने ये एक प्लेट ली है और ये हमने फॉइल पेपर लिया है, इसके लिए प्लेट में लगा लेते हैं। हमने बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है और इस पे घी लगा लेते हैं ताकि हमारे बिस्किट चिपके नहीं। अब बिस्किट हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम इनके लिए लगा लेते हैं इस प्लेट में। हमने कढ़ाई को रख लिया है, गैस ऑन कर दिया है। 10 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं। हमने ये अपने बिस्किट लिए हैं। हमने ये 2 चम्मच दूध लिया है और इसमें चीनी को ऐड कर लिया है और इस दूध के लिए हम अपनी बिस्कुट पे लगाएंगे। ये कॉटन ली है। इस तरीके से बिस्किट के ऊपर दूध लगाएंगे
इससे हमारे बिस्किट क्रिस्पी और बहुत अच्छा कलर आएगा। सभी पे लगा लेते हैं। ये जो हमने बिस्किट लिए हैं इनके ऊपर थोड़ी चीनी लगा देते हैं। इससे जब हम बिस्किट खाएंगे तो क्रिस्पी और कुरकुरे से लगेंगे। ढक्कन को खोल के देखते हैं। कढ़ाई हमारी बहुत तेज गर्म है और इस मिनी पैन सपोर्ट को रख देते हैं और एकदम फटाफट से हम अपनी प्लेट को रख देते हैं और इसे ढक देते हैं तो जो गर्माहट बनी है वो निकल ना जाए, इसलिए फटाफट से हमने अपने बिस्किट रख दिए हैं और 20 मिनट के लिए हम इन बिस्किट के लिए बेक करेंगे। और 15 मिनट तक इन बिस्किट को बिल्कुल खोल के ना देखें और आज हम सिलो कर देंगे। अपने बिस्किट देख लेते हैं और हमारे बिस्किट बेक हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे ये काफी क्रिस्पी है। अब आवाज आ रही है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। बिस्किट हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिए हैं और आप देखेंगे कितनी क्रिस्पी है ये बिस्किट। इनके लिए दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। निकाल लिया है बिस्किट को और आप देखेंगे हमारे बिस्कुट कितने अच्छे हैं, देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे बिस्किट बने हैं, काफी क्रिस्पी है और देखने में भी बिस्किट मार्केट जैसे ही बिस्किट लग रहे हैं। बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आटा तैयार करें तो जिस कप से या कटोरी से जिससे भी आप आटा ले रहे हैं, दो कटोरी छोटी वाली गेहूं का आटा लिया, आधा कटोरी बेसन लिया था और आधा कटोरी ही हमने चीनी ली थी और एक पिंच हमने नमक लिया था और आधा कटोरी हमने घी लिया था, सभी को मिक्स किया था। और उसके बाद जब आप आटे को गूंथ रहे हो तब आप दूध या पानी का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ घी में ही आटा तैयार करें। अगर आपको लग रहा है आपका घी कम है, आपका आटा अच्छे से लड्डू जैसा या पेड़े जैसा नहीं हो पा रहा है, बिखरा बिखरा है, तो आप थोड़ा सा घी और डाल लें जिससे कि आटा बिल्कुल ऐसा बन जाए जिससे हम बिस्कुट बना सकें। बिस्किट के लिए पकाएं, तब आप 10 मिनट के लिए गैस पर कढ़ाई जब रखें तो 10 मिनट के लिए गर्म होने दें ढक्कन लगाकर और तब तक बिस्किट एक प्लेट में लगा के रख लें या तो बटर पेपर लगा लें। अगर बटर पेपर आपके पास ना हो तब आप जिसमें हम रोटियों को पैक करते हैं लंच में वही फॉल पेपर प्लेट के ऊपर लगा ले और उस पर थोड़ा सा घी लगा ले ताकि हमारे बिस्किट चिपके नहीं। अपने बिस्किट रखें और बेक करने के लिए कढ़ाई में रख दें। उसके बाद गैस को स्लो कर दें। 20 से 22 मिनट मुझे लगे थे बिस्किट पकाने में, हो सकता है आपको कम भी टाइम लगे या ज्यादा भी टाइम लगे, वो आपके बिस्किट पर भी है कि आपने बिस्किट मोटे बनाए हैं पतले बनाए हैं। पतले बनाए हैं तो कम टाइम में पक जाएंगे, अगर थोड़े मोटे बनाए हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 10 से 15 मिनट के बाद आप अपनी बिस्किट को देख लें, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके बिस्किट पक गए हैं या कच्चे हैं, ज़्यादा कच्चे हैं तो आप उसी तरीके से टाइम और दें और कम हैं तो बस 2-4 मिनट ही लें और उसके बाद आपके बिस्किट बन जाएंगे। यदि आपको मेरी बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।